इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शैला रजा साहिबा। बहुत शुक्रिया शैला साहिबा आपके वक्त के लिए। शैला साहिबा, डेली एक नई स्टेटमेंट आती है पीपल्स पार्टी के रहनुमा और बड़ी जिम्मेदारी से स्टेटमेंट्स देते हैं। अगर इतने खदशात हैं तो इलेक्शन कमीशन या मुतालिका जो फोरम है वहाँ पर क्यों नहीं जाया जाता? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, स्टेटमेंट देना बड़ा राइट है, ऐसा तो नहीं है कि इजहार पर पाबंदी हो और सारी चीज़ों के लिए तो कुछ भी इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि किस तरह फंड से CMLN के लोग अपने साथ मुतल्लिका सेक्टर को लेकर काम करते थे रहे हैं, कहीं सेक्टर नजर आ रहे हैं कैंडिडेट के साथ कहीं को, और ये तो आज तक जाकर एलिगेशन दे दिखे हैं कि किस तरह से वजीर आजम प्रोटोकॉल लेके उतर रहे हैं और जमात में क्या हो रहा है। तो हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिख चुका है उमर सैफ और फवाद हसन के वक्त के, भाई किस तरह के लोग जाए जा रहे हैं, उनकी एफिलिएशन है। तो यही तरीके शैला साहिबा, एक जानब आपके चेयरमैन कहते हैं कि हम इलेक्शन में 8 फरवरी को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे, दूसरी जानब रहनुमा कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, आपको नहीं लगता ऐसा आपका अपना वोटर कंफ्यूज हो जाएगा? उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि हम सरप्राइज देंगे, क्योंकि उनको मसला है वो कंफ्यूज है अपने बदलने से, हमारा वही बयान है। तो हम तो कह रहे हैं हम अपने बयानी के साथ सरप्राइज देंगे, लेकिन दूसरे अपने बयानी बैठ के सब सारी कैंपेन चलाने के बजाय क्लियर हरकत हो गई। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा, हमारे साथ मौजूद थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है।